अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज प्रोग्राम आरिफ की भाषा में मैं एक मुख्तलिफ शख्सियत को लेके आया हूँ आपके सामने। मेरे पाकिस्तान की ही ये लड़की है जो कि अब पाकिस्तान में मेरी तरह नहीं रहती है, वो भी बाहर ही रहेगी जब जाहिर है मेरी तरह वो भी बोल्ड बोलती हैं और खुल के अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। तो मैं आपके सामने पेश करता हूं आज महलिज सरकारी। थैंक यू वेरी मच महलिज सरकारी एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू आरिफ जी सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मालिक जी, इससे पहले कि मैं अपने सवालात आपके सामने रखूं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने बारे में दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई, किस तरह आप कहाँ बचपन गुजारा और फिर कनाडा कब आई, कैसे और क्या आप काम करती हैं, ये कुछ बताइए, फिर इसके बाद मैं आपसे सवालात करूंगा। अच्छा, ब्रीफ बताती हूँ वरना दास्तान तो बहुत लंबी हो जाएगी। 21 साल हो गए मुझको अब कनाडा आए हुए, और यू नो बहुत सी एडवेंचर्स रही हैं बीच में। सो पैदा मैं कराची में हुई थी, एक बहुत ही डिफरेंट फैमिली में जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स थी, और ऐसी फैमिली में थी जहाँ बाप की साइड जो फैमिली की थी वो बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रिलीजियस बहुत थी, मगर बहुत ही डोमिनेरियस स्टाइल थी यू नो। और एक तरफ जो मेरी मम्मी की फैमिली थी वो बहुत ओपन माइंडेड और वो बहुत एक्सेप्टिंग थी कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कलर हो, कोई भी कास्ट हो, उनको, मेरी नानी नाना को मैंने कभी किसी को डिफ्रेंशिएट करते हुए नहीं देखा, राइट। और मगर जब डैड की साइड पे जाती थी तो वहां पे नौकर चाकर भी है, वहां पर उनकी उनपे अब्यूज भी हो रहा है, औरतों पर भी अब्यूज हो रहा है, तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स ना मुझे देखने को मिली। तो अब आप जानती हो कि अगर आप वडेरे के बच्चे हो या वडेरा जो स्टाइल होता है, गांव का माहौल जो है, तो वहां पे मैंने बहुत ही अपनी माँ को भी और बहुत सारी औरतों को अब्यूज होते हुए देखा। क्योंकि हमारे बाप की साइड पे यानी रिलीजन का इतना मुझको नहीं थोपा जाता था, और मुझे इतना नहीं पता था जब मैं बच्ची थी कि जब हम गाँव जाते थे तो मम्मी जो है वो फेस कवर कर लेती थी, मगर शहर में वो फेस नहीं कवर करती थी और हम ज्यादातर शहर रहते थे। फिर हो ये गया था कि जब मैं बड़ी होती जा रही थी तो जब हम गांव जाते थे तो हमें भी अलाउड नहीं होता था कि हम बाहर ऐसी यू नो बगैर पर्दा किए चले जाएं। हमारे लिए लिटरली वो गांव में खेतों में से लोगों से कहते थे तुम लोग चले जाओ ताकि ये लड़कियां फिर वॉक करने के लिए निकलेंगी बाहर, या अगर गाँव में बीच में से शहर में से गुजरते थे तो मुझे याद है लास्ट टाइम निकलने से यहाँ आने से पहले तो मुझे पूरा कवर करना पड़ा था अपने आप को, और मैंने इतनी गर्मी में तो मैं एसी के आगे करके ऐसे सांस ले रही थी, मुझसे सांस ली जा रही, इट इज लाइक सच अ अनकंफर्टेबल फीलिंग। सो आई वाज लाइक अभी टीनेजर होने ही वाली थी तो माय डैड पास्ड अवे। सो मैं, मेरी जो मम्मी थी वो वहां से मुझको और मेरी छोटी बहन को लेकर शी केम टू कनाडा, क्योंकि मैं, मेरी मम्मी की जो नानी जो थी मेरी वो डिफरेंट रिलीजन की थी और मेरे जो नाना थे वो पारसी, सो माय मॉम वाज पारसी, मगर जब उनकी शादी हुई है तो ऑफ कोर्स यू नो शी हैड टू कन्वर्ट, मुसलमान से शादी हुई। सो बेसिकली तो मैं कहा जाए तो बाप के हिसाब से चलती है ना कि मैं मुसलमान ही होंगी उनके बाप के हिसाब से। नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे थे हमने, यानी करते थे मगर कोई ऐसा नहीं था कि करना ही करना है यू नो। जब मेरे डैड का ये था कि जब उनको दूसरों को दिखाना होता था शोबाज, ही वाज वेरी शो ऑफ ना, तो वो लोगों को दिखाने के लिए हम बड़े मॉडर्न है तो जीन्स पहनने की इजाजत थी, चलो यू नो ही वाज, जब उनको अपना बेनिफिट होना होता था, औरतों पे हुक्म चलाना होता था तो बिल्कुल एकदम रिलीजियस बन जाते थे, तो ही वाज रिलीजियस विद हिज ओन बेनिफिट। तो एनीवे उस वक्त मुझे चीजें नहीं समझ में आई, ये चीजें मुझे बाद में जाके समझ में आई कि ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था। मुझे ये पता था कि हाँ मेरे कजन्स बाहर जा सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, जाके दुकान पे स्नूकर खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं, मुझे अलाउड नहीं था जाना, मैं नहीं जा सकती थी, और एंड आई वुड बी लाइक क्यों मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ यू नो, लाइक छोटा जब बच्चा होता है तो वी जस्ट आस्क दोस क्वेश्चंस। फास्ट फॉरवर्ड टू हियर, जब मम्मी हमको यहाँ लेकर आई तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इन एक्टिंग, मोस्टली एक्टिंग एंड मॉडलिंग।
तो यहाँ पर एक पेजेंट होता था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, उसमें मैंने कम्पीट किया। उससे पहले एक्चुअली मैं सीटीटी पे काम कर रही थी, आई वाज डूइंग लाइक जस्ट एनी अदर थिंग्स यू नो। तो लोगों ने कहा तुम पाकिस्तान से हो, कम्पीट करो। तो मैंने उनको फोन करके मैंने उनसे कहा कि देखो यार मैं बिकिनी पहनती हूँ, मेरी ये जो टोरंटो सन आता है उसमें तस्वीर भी आई है, यू नो एवरीथिंग। तो वो कहने इट्स ओके, हमारी लड़कियां बिकिनी पहनती है, इट्स नो प्रॉब्लम। और वो पेजेंट यहाँ कैनेडा में होता है, सो आई डिड इट यू नो। पहले साल किया तो आई डिड विन, फिर मुझे गुस्सा चढ़ा तो आई वाज लाइक नो आई एम गोना डू इट अगेन। तो 2007 में मैंने कम्पीट किया एंड आई वन। अब जीतने के बाद फिर मैं कम्पीट किया इंटरनेशनली, आई वेंट टू चाइना टू कम्पीट इंटरनेशनली। वहां से जब मैं वापस आई हूँ तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन चलाती है मिस पाकिस्तान की बंदी, उसने न्यूज बनाई कि आई वॉज इन लव विद मुशर्रफ। उस वक्त मुशर्रफ पे बहुत बलूचिस्तान मुशर्रफ का ना बहुत चक्कर चल रहा था उस वक्त। मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था, आई हैड नो आइडिया। मगर ओवरनाइट सबको पता चल गया था ये मिस पाकिस्तान है, ये मुसलमान है और ये मुशर्रफ को सपोर्ट करती है और ये बलोच है। तो ये एक तरह से सेंसेशनल न्यूज बनाई गई। इट वॉज गोइंग ऑन फॉर लाइक अ मंथ, पता नहीं आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी। सो दैट गेव मी अ बूस्ट यू नो। और फिर उससे ही हुआ कि आई स्टार्ट स्टेपिंग अप इन पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया में मेरा स्टेप ना वहां से शुरू हुआ। तो 2 साल गुजर गए, एवरीथिंग काम डाउन। फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ यू नो, जस्ट इवन दो इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर माई सेल्फ मेरी लाइफ लाइक। तो मैंने किसी को नहीं बताया एंड आई वेंट वेरी सीक्रेटली टू पाकिस्तान। फिर जाकर मैंने 2-3 इंटरव्यूज किए एंड आई वॉज वेरी केयरफुल ना कि किसी को बताती नहीं थी इतना कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। फिर इट वॉज ओके फॉर मी टू गो देयर। आई वर्क इन फ्यू प्लेसेस पाकिस्तानी मीडिया के बाद में बार यू नो। सो एनीवेज आई डिड ऑल दैट पाकिस्तान में थोड़ा काम काज करके फिर अब मैं वापस आ गई कैनेडा एंड आई जस्ट बीन इन कैनेडा एंड जस्ट अब जो चीजें मुझे थोड़ी बहुत देखी मैंने, मेरी थोड़ी सी अवेकनिंग हुई यू नो कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है एवरीथिंग। एंड स्पेशली व्हेन यू गेट इन योर 30s थोड़ा सा आप ग्रो करते हो तो आपका दिमाग भी साथ साथ ग्रो करता है। सो दैट्स अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उससे। आपने बताया कि आप बलोच हैं और आप मुसलमान हैं, तो आपके फादर की तरफ से आप बलोच होंगी। बलोच देखें, बलोच मैं तो नहीं हूँ ठीक है। वो बनाई गई थी एक स्टोरी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है एक सेंसेशनल न्यूज क्रिएट करनी थी और मैं उस वक्त मुसलमान भी नहीं थी ठीक है ना। सो उसने मुझसे, मैंने उसे ही बोला था कि क्योंकि उस वक्त ना जब ये बात बाहर निकली है तो मुझे बहुत डेथ थ्रेट्स आ रही थी। यानी एक तरह से हर जगह लोग मुझे जान गए थे। फिर हम लोग दुबई गए थे, नादिया खान शो में बुलाया गया। वहां पर हमको पता नहीं इतनी बुरे तरीके से वहां पे बेइज्जती वगैरह की इन लोगों ने हमारी, और तो वो भी बड़ा सीन बना। इट वाज अ बिग थिंग, आप अगर इंटरनेट पे देखते तो लोग कह रहे थे इसको गोली मार दो, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। तो किसी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर या नहीं था, मेरे जो उस वक्त बॉयफ्रेंड था हमारे, मेरी तस्वीरें लीक करी गई सारी मेरे फेसबुक पर से। इट वाज लाइक अ क्रेजी थिंग यू नो। एकदम से आप उठो और एकदम से पूरी दुनिया में जो है आपका नाम हो रहा, और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। बट इट टुक मी अ वाइल टू गेट ओवर इट। सो ये सारी न्यूज एक बनाई थी उससे। अभी अब 10 साल कितने हो गए, 10 साल के ऊपर हो गए हाँ। सो ओवर 10 ईयर्स आज जो मिस पाकिस्तान बनी है तो वो क्रिश्चियन है, क्योंकि आजकल के एजेंडे के हिसाब से ना वो ज्यादा सही। उस वक्त एजेंडा ये था कि मुशर्रफ का वो था, न्यूज बनाने की क्रिएट की गई थी ये स्टोरी यू नो। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मुशर्रफ से शादी करनी थी, मगर उसने कहा बोलो तो आई आई सेड इट। इट वाज जस्ट टू क्रिएट मोर न्यूज यू नो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प कहता है ना फेक न्यूज। तो उसके बाद जो है ना आई डोंट बिलीव एनीथिंग इन द मीडिया, इट इज ऑल क्रिएटेड। अच्छा, आप 2007 में पाकिस्तान गई थी, तो इसके बाद तो फिर अब नहीं जा सकती, या जा सकती हैं? नहीं, मैं गई थी नहीं, 2007 में मैंने पेजेंट जीता था और फिर मैं 2009 में गई थी। तो मैं जाती थी एंड आई यूज टू कम बैक। मैं बहुत सीक्रेटली जाती थी, अपने 2-3 जो मेरे लोग जानने वाले थे उनसे मिलती थी एंड आई यूज टू कम बैक। और सो लास्ट टाइम जो मैं गई थी वाज इन 2010।
मैंने देसी कुड़ियां, वहां पे एक रियलिटी शो है वो वकार जका के साथ, ARYP, वो भी किया, दो तीन ड्रामे वगैरह भी किए मुझे वहां पाकिस्तान में। मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं बहुत काम मिल सकता, और मिल सकता था, मुझे ये बात नहीं कि नहीं मिल सकता था। मगर मेरी एक प्रॉब्लम ये रही ना, मैं किसी भी जॉब में रही हूँ, मेरा मुंह जो है ना वो चुप नहीं रहता है। जो चीज अगर मुझे लगती है ना, तो जब तक मैं बोलती नहीं हूँ, और फिर जब मैं बोल देती हूँ, ज्यादातर वो कहते हैं अच्छा आप अपना बोरिया बिस्तर बांध दो, अब यहाँ से निकलो। सो इवन ऑन शोज, तो जब अब ये सोशल मीडिया पे मेरे, यू नो आई हैड अ चाइल्ड, अब बच्चे के साथ, वो भी मैं आई बिकेम अ सिंगल मदर, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो सोशल मीडिया वाज द थिंग दैट वाज बूमिंग, यू नो, तो सोशल मीडिया मेरे लिए बन गया, और इट वाज बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं जो चाहूँ, मेरा शो, मैं जो करूँ, मैं लाइव आऊं नहीं आऊं, गाली दू नहीं दू, मैं जो बोलूँ, इट्स माई शो, मुझे यहाँ पे कोई नहीं कहता कि यू नो मारी यूर फायर। सो आई फाउंड दिस लाइक वेरी लिबरेटिंग फॉर मी। तो यार लास्ट टाइम जैसे आपने कहा, तो मैं 2010 में गई थी, अब तो नहीं जा सकती मैं वापस। आप पाकिस्तान से तो कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान के बारे में एक एक चीज जानती हैं। आजकल जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उसमें खास तौर पे मैं माइनॉरिटी गर्ल्स की तरफ आऊंगा कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी गर्ल्स, खास तौर पे हिंदू सिख लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा किया जाता है, बाय फोर्स कन्वर्ट किया जाता है, बाय फोर्स रेप करके उनकी शादी की जाती है रेपिस्ट के साथ ही। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अबाउट 1,000 गर्ल्स ए ईयर, यानी रोज की 3 लड़कियां एवरेज अगवा होती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपके इल्म में ये चीजें हैं और आप उस सोसाइटी से काफी कनेक्टेड हैं, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? जब मैं गई थी, तो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में गई हूँ, क्रिश्चियंस के साथ भी मेरा जानना पहचानना हुआ है, और एक्चुअली मेरी मम्मी ज्यादा जानती है, वो जानती थी एक कपल को जिसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान से। अनफॉर्चुनेटली उसमें कपल जो था, उसकी बीवी की डेथ हो गई, उन लोगों ने वापस करवा दिया, कुछ ऐसी चक्कर हुआ था, सो आई नो ऑफ देम। बाकी जिन लोगों को मैं जानती थी, वो ज्यादातर वो लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं, या तो दुबई में हैं और देयर इन यूरोप। माइनॉरिटीज, सो ऑफ कोर्स एवरीवन नोस के माइनॉरिटीज के वहां कोई राइट्स नहीं है। मगर मैं एक और चीज भी बोलूंगी कि मैं जब लास्ट टाइम गई हूँ ना पाकिस्तान, तो आई वाज हैंगिंग आउट विद जो टॉप टी होते लोग, यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और ये लोग, टीम क्राउड, तो उनमें से एक वहां पे आई थिंक वो MPP था, या पता नहीं कौन सा था, उस वक्त जरदारी की गवर्नमेंट थी, तो ही वाज आई थिंक फॉर नार्कोटिक्स एंड अल्कोहल का कुछ था उसका। तो वो बंदा जो था, वो लोग हिंदू थे। अब मैं उनके साथ हैंग आउट वहां पे मैंने किया, यू नो, और उसके मुसलमान फ्रेंड्स भी थे, वो लोग सब कुछ थे, वाज नो डिफरेंस बिटवीन देम। वो लोग खाना पीना उनका सब साथ में चलता था, आई नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस, यू नो। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो, इन लोगों की लाइफ इतनी लेविश लाइफ है, उन लोगों की अगर आप देखो उनके पास क्या नहीं है, तो ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते वहां जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि ज्यादातर जुल्म जिन पे हो रहा होता है ना, वो ज्यादा गरीब जो हिंदू है वहां पर, उन लोगों पे हो रहा है। मगर जो लोग वाकई में एजुकेटेड हैं या अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं ना, वो भी नहीं बोलते इन चीजों। यानी मैं देखकर मेरा लाइक आई वाज लाइक वाओ, यहाँ से उनकी बार और उनका घर देखने वाला था। अरे जी यार, मैंने कहा हम तो यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। सो जुल्म तो हो रहा है, मगर अगर वो खुद भी नहीं वहां पे उठ के बोल रहे हैं, जो जिनके पास पैसा है, तो आप खुद बोलो ना, और कौन कौन बोलेगा। यू हैव टू स्टैंड देयर एंड टेक अ स्टैंड। अब लोग कर रहे हैं इस चीज पे बात, इट इज बीइंग मोर हाईलाइटेड, व्हिच इज अ गुड थिंग। मगर आप, हिपोक्रेसी पूरी दुनिया में भरी है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मगर अगर कुछ थोड़ा सा इंडिया में हो जाता है, तो सबके ट्वीट्स आ जाते हैं, यू नो, वहां ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। मेरा तो आजकल समझ में नहीं आता कि दुनिया में हो क्या रहा है, टू बी ऑनेस्ट। सही कहा आपने। अब जैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बदतरीन सूरत हाल है, लेकिन ना कनाडा की पार्लियामेंट में बोला जाता है, ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला जाता है, कोई इस पे इंटरनेशनल मीडिया नहीं बोल रहा। इंडिया में कंपैरेटिवली आप देखें तो माइनॉरिटीज को बड़ी फैसिलिटीज है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं हो रही, 5 टाइम अजान लाउड स्पीकर पे चल रही है, सड़कों पे नमाज हो रही है, एक वो है। लेकिन इंडिया में इसके बारे में पूरी दुनिया इस पे बोलती है। तो मैं आपसे इसी सिलसिले में कनाडा की तरफ आऊंगा पहले कि करीमा बलोच, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम बलूचिस्तान, जान बचा के आती है कनाडा और मार दी जाती है।
आप क्या समझती हैं कि जो हम सुनते आए हैं अभी कुछ अरसे से, कनाडा में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है, वहां पे काफी इन चीजों को अपीजमेंट की जाती है गवर्नमेंट लेवल पे, क्या आप समझती हैं कि कनाडा में खतरा ज्यादा है और क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए, ऑफ कोर्स गरिमा बलोच की जो डेथ हुई है, वो अब हम लोग तो सोचने वाले हैं ना, अपेरेंटली वो डूब गई है और डूब के मरी, सो अपेरेंटली ना. तो अब आप जब बैठते हो तो सोचते हो कि भाई ये पुलिस ने ये रिपोर्ट दी है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बंदा सोचता तो है ना, हम लोग यहाँ बिल्कुल ही पागल तो नहीं बैठे ना. और मैंने जैसे आपसे हमारी बात हुई थी, करीमा के साथ जो है मेरा एक दफा हम लोगों ने इवेंट किया था 2017 में, तारिक फतेह और करीमा दोनों वहां पे थे, और वो उस वक्त यही M103 पे बात हो रही थी कि जो इस्लामोफोबिया का मोशन और लॉ लाके जो लेकर आ रहे हैं उसके अगेंस्ट ये बात हो रही थी, तो दे वर ऑल देयर टू सपोर्ट इट. वेरी नाइस वुमेन. अगर कोई वहां से भागकर यहाँ आता है रेफ्यूजी, लाइक जैसे मैं आई हूँ, तो नॉक ऑन वुड, खुदा ना खासा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मैं अभी बता देना चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैंने मरना है, या मेरा कोई ऐसी एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, मगर इट इज, इसके बाद बंदा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आपके, यार वाकई में अब थ्रेट ज्यादा हो गई. और वो आपको ऐसे नहीं है थ्रेट्स की यहाँ पे बम फूट रहे हैं, ये हो रहा है या वो हो रहा है, इट्स वेरी पॉलिटिकल, इट्स वेरी क्वाइट, और दैट्स द मोस्ट डेंजरस पार्ट, कि एक बंदी जो है वो वॉक के निकलती है, उसकी बॉडी आपको मिल जाती है, और यहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती उस पे, जरा सा भी नहीं, ये भी जानते हुए कि वो बंदी किस चीज के बारे में क्रिटिसाइज कर रही थी. यानी करीमा जो है ना, वो रिलीजन पे क्रिटिसाइज नहीं करती थी, वो जो है एस्टैब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज करती थी, राइट? सो वी हैव टू ऑल थिंक. अब उसके ऊपर भी उससे पहले थोड़ी बहुत रूमर्स आई कि ये उसकी एजेंट है, ये उसकी एजेंट है, मुझे भी बोलते रहते हैं रॉबी एजेंट है, ये बताइए कहाँ की एजेंट है. मैंने तो सो यू डोंट नो कि कहाँ बिलीव किया जाए, मगर जहां तक एक कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन सेंस इसके पास होगी, यही सोचा कि एक बंदी वहां से अगर आई है जीने की ख्वाहिश ना, जभी तो यहाँ, वरना वो वहां बैठती मरती, वहां लड़ लड़ के मर जाती. शी वांटेड टू डाई एंड शी कुड हैव डन दैट. तो ये यहाँ पर आके और इतने कन्वीनियंटली शी जस्ट, और फिर जब उसको वापस बरी करने के लिए लेके गए, लाइक दैट वाज जस्ट, आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि ऐसे लोगों के जनाजे आप करवा देते हो, जो जैसे कि सलमान तासीर को जिसने मार दिया, उसको तो एक वो आपने हीरो बना दिया, उसके इतने लोग आ गए. ये अभी जो एक मौलवी जो है वो मरे हैं, सॉरी, उनके जो इंतकाल हुआ है, वो बंदा किस किस को गालियां नहीं देता था, खादिम रिजर्व, खादिम रिजवी, किस किस को उसने नहीं बोला, और उसकी वो, यानी उसको एक हीरो बनाया हुआ है. हमारे रोल मॉडल्स ही सही नहीं है पाकिस्तान में, हम किसको रोल मॉडल मानेंगे? हमारे रोल मॉडल्स देखे ना, हर किसी मुल्क में ना एक रोल मॉडल होता है, वहां के बच्चे ना देख के हाँ हम ऐसा बने, हम इन जैसा बनेंगे. हमारे आप रोल मॉडल्स तो देखे ना, सारे चीटर्स, सारे खाना वाले, सारे करप्ट, एक नंबर के झूठे, तो आवाम भी फिर वैसे ही निकलेगी ना. तो ये अभी आपने जिक्र किया 103 का, इकरा साहिबा जो मोशन लाई हैं, तो इकरा साहिबा को अगर शरिया लॉ चाहिए और ये सब चीजें चाहिए तो कनाडा क्या करने आएगी? ये फिर सऊदी अरब, कनाडा आए इसीलिए है ना, क्योंकि भाई शरिया लॉ पूरे दुनिया में आएगा ना. द थिंग इज कि जब फिर बात आ जाती है थोड़ी रिलीजन पे, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ ना, कि देखिए मैंने कभी ना रिलीजन पे वैसे बात की है, जब इतना भी अरसा मैं मीडिया में रही हूँ, आई डिडंट रियली गो टूवर्ड्स दैट, क्योंकि पता है कि रिलीजन बहुत सेंसिटिव टॉपिक, ना ही मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी बात नहीं की है, मगर आई टॉक अबाउट कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में. मगर जब ये जब 2017 में इमोशन आया है ना, तो आई स्टेप्ड बैक अ लिटिल बिट, क्योंकि मैं यहाँ पर सबके साथ काम कर रही थी, मैं यहाँ पे TV1 का चैनल था उस पर काम कर रही थी, आई वॉज सो देन आई स्टेप्ड बैक एंड आई वॉज लाइक हैंग ऑन अ सेकेंड, ये देखो मैं इन्हीं लोगों में काम कर रही हूँ, और देखो यहाँ हो क्या रहा है, हाउ एवरीथिंग इज बींग टर्न ओवर. और फिर जब ये आप इस्लामोफोबिया पे वो ले आते हो, तो इस्लामोफोबिया को आप डिफाइन तो करो ना, क्या मतलब इस्लामोफोबिया? अगर मैं कहती हूँ कि औरतों को पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्री में
औरतों को राइट्स नहीं दिए जाते तो अब मैं इस्लामोफोबिक हो रही हूँ या वो फैक्ट है खुद ना। अब आप ये बोलोगे जो गेज हैं उनको छत से नीचे फेंक के मार दिया जाता है ईरान में अफगानिस्तान में, अब ये फैक्ट है या मैं उनसे डर रही हूँ इस्लामोफोबिक, आपको वो डेफिनेशन देनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे आप जो भी आप बोलो ना तो वो ऑफकोर्स यू आर रेसिस्ट यू आर इस्लामोफोबिक। अब सो आई डोंट इवन बाय दैट इस्लाम, इतना इन लोगों ने इस्लामोफोबिया कर दिया है ना कि ऑनेस्टली लोग डिसेंसिटाइज हो गए इस वर्ड से, नोबडी केयर्स एनीमोर कनाडा में। और लोग जो है ना यहाँ के, क्योंकि मैं बहुत सारे बोरों को भी जानती हूँ, आई हैव बीन वर्किंग विद देम, और ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं भाई गोरे इतने रेसिस्ट हैं, गोरे ऐसे हैं, गोरे वैसे हैं। मैं 21 साल से रह रही हूँ, मुझे तो किसी गोरे ने तंग नहीं किया, मैं गोरों के बीच में रहती हूँ, गढ़ में रहती हूँ। कभी सोचा आपने कि शायद आप ही लोग गोरों के पास जाकर वहां पर अपनी कोई चीजें कर रहे होते हो जो छोड़ के आए हो, तो शायद गोरों को थोड़ा यू नो अनकंफर्टेबल फील होता हो, कभी सोचा आपने इस तरीके से? मगर नहीं, दे डोंट थिंक दैट। आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलती, आप इस्लाम के खिलाफ भी नहीं बोलती, लेकिन फिर भी आपको थ्रेट्स तो होंगी क्योंकि आपने एक ऐसी फील्ड जो कि पाकिस्तान में ठीक है ड्रामे भी होते हैं, वहां भी एक्ट्रेसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन यू आर सच ए बोल्ड पर्सन इन योर वर्क ऑल्सो, और आपके एक्सप्रेशन, आप जो बात करती हैं वो भी खुल के आप करती हैं, जो आपके ख्यालात होते हैं, तो आपको भी बहुत थ्रेट्स मिलती होंगी, कि आपको खतरात नहीं होते या आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती होंगी ऑन सोशल मीडिया भी, रियल लाइफ में भी? रियल लाइफ में तो नहीं, आज तक कभी मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और आई हैव बीन वेरी लोकी, जैसे मैंने कहा ना कि मैं बहुत ही लोकी रहने वाली बंदी हूँ। पहले मैं रहती थी, हालांकि लोग मिसिसागा में, आई स्टिल टॉक टू सारे, जितने ऑनेस्टली जितने मिसिसागा में सारे टीवी वाले सब हैं, सबसे मेरी बात होती है, सब मेरे फेसबुक पे, सब मुसलमान है। तो ये नहीं कि मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रही हूँ, मैं इतनी मुसलमान लड़कियों को यहाँ जानती हूँ जो कि अगर शरिया लॉ आ जाए तो वो सब अफेक्ट होंगी, और लड़कियां तो नहीं वो भी अफेक्ट होंगी, वो अपने मेकअप चला रही है, वो अपने वीडियोस बना रही है, वो जो भी कर रही है अपनी लाइफ जी, यू नो दे लाइक टू लिव द वे दे आर। और अगर वही आप इस तरह से आप चेंज कर दोगे सो मगर ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन तो मुझे बहुत थ्रेट्स आ रही है, अब स्पेशली जब से मेरा एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ है इस साल, वो था मार्च में, औरत मार्च में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जरा गालियां वगैरह दी थी, आई गॉट वेरी इमोशनल, क्योंकि यार एक हद होती है ना। और जो वो खलील रहमान है ना, उसने जो गालियां दी ना उसको, मारवी सरमद को, तो उसपे मुझे बहुत लाइक आई रियली फेल्ट दैट कि एज अ टीवी पर्सनैलिटी, मैं मुझे पता होता है कि भाई कैमरा ऑन है, आपको किस तरीके से, आप पीछे हो कैमरे के कुछ भी करो, और कैमरे के आगे आपको कैसे बिहेव करना है ना, यू शुड नो। तो उसमें फिर मैंने गालियां दी, मैं लोगों से बात कर रही थी, चीजें समझा रही थी, और नीचे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे एंड आई जस्ट गॉट रियली एंग्री, और वो वीडियो जो है उसको एडिट करके इन लोगों ने वायरल किया है, तो वहां से काफी लोग फिर मुझे जानना शुरू हो गए। फिर मैंने एक और अभी अभी वीडियो मेरा जो है वो वायरल हुआ, वो मर्दाना कमजोरी पे था, वो भी यू नो काफी वायरल हुआ है। सो आई गेस या तो लोगों को गालियां पसंद आ गई है उसमें, आई डोंट नो, मगर मैंने जो बातें की थी वो गलत बात तो नहीं की थी, मैंने ना इस्लाम के बारे में गलत बात की, मैंने तो ये कहा था कि औरतों को अपनी मर्जी से जीने का हक है, शादी करने का हक है, अगर वो किसी के साथ शादी करी भी है उन्होंने और वो उस बंदे के साथ नहीं सोना चाहती है तो फिर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चों पे जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, यू नो तो उस पे लोगों को गुस्सा आ रहा था, आई डोंट नो। डेस्परेट सोसाइटी है, इस्लाम या कोई भी मजहब होता है इसमें कई चीजें होती हैं, हर आदमी अब उसमें जो एक मिसाल है, 1400 साल पुराना क्या हालात थे, क्या वह चीजें थी उस जमाने को, आप आज लागू नहीं कर सकते। मैं जरा आऊंगा मदरसों की तरफ, पाकिस्तान में मदरसों के बारे में कई चीजें हैं, तीन चार चीजें मैं इस पे आपसे राय लूंगा। एक तो ये है कि मदरसों में बच्चों पे मार कुटाई बहुत होती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, डंडों से मारते हैं, रस्सियों से बांध के मारते हैं। दूसरा, बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है मदरसों में, यह आम चीज है पाकिस्तान में, ऐसी कई वीडियोस हम भी देखते हैं, और आम है कि मदरसे में बच्चियों को और बच्चों दोनों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। और तीसरा यह है जो सिखाया जाता है वो भी 1400 साल पुराने दौर में लेके जाकर बच्चे को बिठा देते हैं
ब्लैस्फेमी है, किसी ने कर दी तो बस जरा भी आपको बात बुरी लगी जाके कत्ल कर दो, जन्नत तुम पे फर्ज हो गई है, तुम जन्नत में चले जाओगे। अबे गरीब आदमी का बच्चा जैसे मुमताज कादरी, इसने पंजाब के गवर्नर का कत्ल कर दिया, वो मुमताज कादरी जो जिंदगी में दो कमरे का घर नहीं बना सकता था, आज कई एकड़ पे इसका मजार है, उसका बाप जहां गुजर जाता है वहां पे लोग उसको सलाम पेश करते हैं, तो फिर कौन बच्चे अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाएगा? तो कुछ मदरसों के बारे में बताएं जो पाकिस्तान में मदरसों के हालत है। मुझे जहां तक मैं जानती हूँ ना, तो जब हम पाकिस्तान से निकले थे तो आई वॉज वेरी यंग, मैं बहुत छोटी थी ना। हम लोग रहते थे नाजाबाद पापोश के एरिया में, और वहां की जो मेरी यादें हैं, फिर मैं 10 साल बाद गई हूँ, नहीं 10 साल नहीं 14 साल बाद गई हूँ ना, जब तो जगह ही बदल गई थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने ये देखा था कि ज्यादा औरतें जो है निकाब पहनी, ज्यादा बुरके वाली दिख रही थी। और मैं जहाँ रह रही थी एक दफा गुलशन में, तो वहां बच्चियों को मैं देखती थी, रोजाना आती थी और पूरा हिजाब उन्होंने पहना हुआ होता था। आई थिंक इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी। दूसरी बात ये कि जैसे कि हम देखते हैं कि मदरसों में ही बच्चों के साथ ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि मदरसों में बच्चों इन लोगों को एक्सेस ज्यादा है। जैसे कि आप अगर क्रिश्चियन प्रीस्ट वगैरह ले लो, इनमें भी आप देखते हो तो बच्चों को अब्यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इनके पास एक्सेस होता है और लोग अपने बच्चों को इन लोगों के साथ ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, भाई ये दीन का बंदा है या रिलीजियस बंदा है तो सही होगा, ये जो है ना मेंटालिटी ये सही होगा। तो उसपे दूसरी बात ये कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आपको तो ऑफकोर्स वो तो आप देख ही रहे हो कि पाकिस्तान, अब आप कंपेयर कर लो 50s में, मम्मी मुझे बताती नहीं 50s 60s में क्या था पाकिस्तान और अब क्या बन गया है। मैं उनकी तस्वीरें मैं देखती हूँ जहाँ पर उन लोगों ने खुद ड्रेसेस पहने हुए पार्क्स पे, बीचेस पे, और खुद बताती थी कि यहाँ पे क्लब्स होते थे, ये चीजें होती थी। पहले तो मैं अपनी मम्मी को मैं यही पूछती थी कि भाई हमारी नानी पाकिस्तान आ क्यों गई, तो वो पहले मैंने एक स्टोरी, एक लंबी स्टोरी थी उसपे, और फिर मेरे नाना उनको छोड़कर वो भी छोड़कर सब कुछ, क्योंकि वो ही वाज फ्रॉम बॉम्बे। मैं आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी वहाँ इंडिया से यहाँ आके बैठने की, अच्छा खासा वहाँ बैठे रहते, यू गाइस वर सो गुड, मैं क्यों उठ के आ गए। तो अभी भी बॉम्बे में आई हैव सम फैमिली फ्रॉम माय फादर साइड, सो इट्स, अगर अब क्या बोला जाए, पाकिस्तान को तो आप छोड़े, आप यहाँ की बात सोचिए। यहाँ पर मेरा कजिन जो थे वो एक बिल्डिंग में रहते थे और वहां पर जो है पूरा एक कम्युनिटी बनी हुई है, ये थॉर्नक्लिफ पार्क के नाम से, तो वहां पे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी, वहां मस्जिद भी है, वहां मदरसा भी है, और मैं वहां एलिवेटर में ऊपर जा रही थी, सारे बच्चे जो बच्चियां जो थी वो पूरा हिजाब उन्होंने पहना हुआ था, टू द पॉइंट ग्लव्स, छोटी छोटी बच्चियां, और मेरी बच्ची 6 साल की है, लाइक आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और जब आप ये चीजें देखते हो ना यहाँ पर भी, तो मुझे आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है देखकर, अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। तो अब ये लोग हमेशा बोलते हैं इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया वो, भाई हम विक्टिम जो वहां के आए हुए, हमको जो एंजाइटी हो रही है हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता, यू नो व्हाट आई मीन। अब फॉर एग्जांपल मैं जब पाकिस्तान गई हूँ ना दोबारा, तो पाकिस्तान में ये होता है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं हाईलेक्स होते हैं, पीछे उन्होंने गार्ड्स रखे हुए होते हैं पगड़ी वाले क्लैशन को, बिल्कुल जैसी तालिबान स्टाइल और सर्टेन थिंग्स हियर। तो उसी तरह से जब मैं यहाँ किसी को देख लू इस तरीके से, तो आई गेट स्टार्टेड, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं उसमें मेरा कसूर नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस थिंग्स लाइक दिस, तो वो जो फ्लैशबैक्स आते हैं ना, इट वाज काइंड ऑफ वेरी स्केरी। फिर वहां पे ऑफ कोर्स एक दफा हम लोग फंस गए थे, शूटिंग स्टार्ट हो गई थी एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट डकिंग। बस पाकिस्तान में ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूंगी कि मैं 5 महीने रही हूँ, शुरू शुरू में मुझे डर लगता था जब फायरिंग होती थी, और फिर लास्ट में हो गया था हाँ फायरिंग हो रही है, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं वहां पर, इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्लेस। अच्छा आप भारत में मुंबई से ताल्लुक रखती हैं, मतलब ओरिजिनली? मेरी जो नानी थी वो मेरे ख्याल से गुजरात की थी, हाँ, और जो नाना वो वहां के थे, बॉम्बे से थे, तो गुजराती बोलते थे, केंचो डिगरा डिगरा, तो आई ऑलवेज रिमेम्बर। तो कभी जैसे मेरे भी पेरेंट्स गुजरात में पैदा हुए और पाकिस्तान माइग्रेट किया, तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आई रिग्रेट इट, और मैं तो अपने पेरेंट्स अपने फादर से भी पूछता था कि क्या लेने आए थे पाकिस्तान में, जन्नत छोड़ के इधर आ गए।
तो आप कभी रिग्रेट करती हैं कि काश क्या आपके पेरेंट्स ने भी माइग्रेट ना किया होता? देखिए, मेरी मम्मी और इनकी जो लाइफ स्टाइल एवरीथिंग जो थी ना, जब अगर आप वो सारी चीजें देखते हो तो यस, हमारी फैमिली में जो मेरी मम्मी है, उनके भाई वगैरह, ये लोग भी करते हैं रिग्रेट कि काश हमारे माँ बाप वही रहे होते, और वो भी किसी वजह से वापस आई थी, अदरवाइज शी डिडंट नीड टू गो अप देयर। मगर देखिए, मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान होते हुए, क्योंकि जब मैंने मिस पाकिस्तान किया है, तो मुझे जितनी हेट मिली है ना, उसके साथ मुझे सपोर्ट भी पाकिस्तानी सबसे ज्यादा करते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रिग्रेट करती हूँ मैं पाकिस्तान में नहीं पैदा हुई। शायद मिस पाकिस्तान करने के बाद ना, मैंने तो एक शौक के लिए किया था, ब्यूटी पेजेंट करने के लिए, मगर उसके बाद मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि आई हैव हैड दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे आई है। शायद इसी वजह से मैं पैदा हुई थी पाकिस्तान में, के जो है जहाँ वहां की लड़कियां नहीं बोल सकती, उनकी आवाज में बने। यार, हर किसी का एक लाइफ में मकसद होता है, सो आई जस्ट फाइंड कि शायद मेरा यही मकसद था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान में पैदा होने की मुझे रिग्रेट है। अगर हाँ, इंडिया में होते तो बेटर होता, मगर मुझे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एंड ये देख के मुझे अच्छा फील होता है, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि एटलीस्ट इतने प्रोग्रेसिव लोग हैं जो चेंज चाहते हैं एटलीस्ट। लेकिन पाकिस्तान में तो एक मौलवियों ने और मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी तो मिस पाकिस्तान जैसे या मिस वर्ल्ड के ये जो कंपटीशन होते हैं उसके अगेंस्ट हैं, तो एक लिमिटेड पाकिस्तानी पसंद करते होंगे ना, बाकी तो आपके अगेंस्ट होंगे मेजोरिटी। आरिफ जी, आप पाकिस्तान में ना, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी पॉइंट वीडियो आ जाए, आपको मौलवी कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, मगर आप अगर रिलीजन के खिलाफ बोल दोगे तो मौलवी फौरन खड़ा हो जाएगा आपको मारने के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मीरा जी की भी बहुत सारी चीजें लीक हुई है, कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी आए। अब तो हर आए गए जो है ना, टिकटॉक, किसी की आज ही मैं देख रही थी, किसी टिकटॉकर की वीडियो लीक हुई है जिसपे एक्चुअली उसका रेप हो रहा है, ये देखिए आप। एक तरफ देखिए, पाकिस्तान की सोसाइटी ना बहुत ही डिफरेंट है। मैं 3 दफा पाकिस्तान गई हूँ, मैं 3 दफा डिफरेंट एरियाज में रही हूँ, 3 दफा डिफरेंट लोगों के साथ रही हूँ, तो मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे। जब मैं गुलशन वगैरह में रहती थी, वहां पर बिल्कुल ही डिफरेंट वो रहा मेरा, फिर मैं जब आकर जरा एलिट्स में आई हूँ, जब मैं बड़े बड़े लोगों में रह रही थी, तो मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप मीडिया में हो, आपकी पार्टीज भी हो रही हैं, वहां पर गेज भी हैं, लेस्बियंस भी हैं, वो छोटे छोटे कपड़े भी पहनते हैं। मैं खुद वहां पर गई हूँ जहाँ में आर्मी के कॉटेजेस बने हुए होते हैं ना, शैलेस, तो वहां पे आपको यू हैव टू नो समवन, बट आई वेंट देयर, वो शैलेस देखने वाले हैं, यानी आप जो बैक साइड वहां पे पूल बना हुआ है एंड योर व्यू इज ऑन टू द सी, इतनी खूबसूरत जगह है। आपके पास पैसा है, कांटेक्ट है, पाकिस्तान रहना आपको बेस्ट जगह है, यहाँ क्या हम कर रहे हैं? मैं आपको सही बता रही हूँ, क्यों नहीं रहती हूँ वो मॉडल्स, मगर द थिंग इज कि वो रिलीजन पे नहीं बोलती। कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कभी सुना है आपने किसी ने बोला हो, कभी बच्ची का किसी का कुछ हो जाता है, हिंदू क्रिश्चियन किसी का कोई बोलता है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि दे लाइक द मनी, और उनको पता है कि ये मौलवी फतवे देते रहते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मौलवीज आर द बिगेस्ट थर्टीज, आगे से जो है ना कवर पहना हुआ है, पीछे क्या हो रहा है आपको पता है? मैं तो देख चुकी हूँ ना क्या चीज, अभी वो कौन से है, वो मुफ्ती कावी, उनकी देखे ना क्या क्या चीजें नहीं आ रही सामने। सो मैं नहीं कह रही हर मौलवी ऐसा होता होगा, मगर आई एम जस्ट सेइंग कि मेजोरिटी जो है ना ठरकना, हर मैं कहती हूँ हर आदमी ठरकी होता है, लेवल डिफरेंट होता है उसकी ठरक का। चंद होते हैं जो ऐसी ठरक पे होते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चंद होते हैं जिनके कोई कंट्रोल नहीं होता, बस वो टाइप कर देते हैं शो मी एवरीथिंग, सो इट्स लेवल होता है बस ठरक का। अच्छा, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहूंगा कि आपको एक तो पता है कि पूरी दुनिया में इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान में टेररिस्टों को पनाह दी जाती है, जैसे कि ओसामा बिन लादिन, लीबी, फरज अलीबी, एमन अल जवाहिरी, मुल्ला उमर, यू नेम इट, और जितने टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से ही मिले हैं वेस्ट को, इसका मतलब पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। तो देर इज ए ग्रोइंग परसेप्शन के पाकिस्तान क्रिएट्स टेररिस्ट एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेररिज्म। हाउ डू यू सी इट? वेल,
मुझे इतना तो पॉलिटिक्स के ऑनेस्टली इतना नहीं मुझे पता है, मगर अब तक जितना भी हमने देखा है, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हमने देखे हैं, तो ज्यादातर उनमें से पाकिस्तानियों पाकिस्तानी ही निकलते हैं, राइट? अब ये उसामा बिन लादेन की जो चीज थी, वो तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट, मैं खुद तो उस पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि आप कैसे कह सकते हो कि इतना बड़ा मोस्ट वांटेड आदमी, उसकी आपने तस्वीर नहीं खींची, दिखाया नहीं कि भाई वो मर गया, ऐसे ही उसको फेंक दिया, एंड आई जस्ट डोंट बिलीव इन दैट स्टोरी। मुझे मैं आप कंस्पिरेसी थियरीज बोल लो या जो भी है, मगर आई डोंट बिलीव इन दैट। मगर हाँ, ये वो कहना कि पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते होंगे, ऑफ कोर्स रहते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, माफिया वाले लोग रहते हैं जिनको नहीं रहना चाहिए, यू नो। एट द सेम टाइम मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में क्राइम करके भागे हैं, तो वो भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जो है दूसरी कंट्रीज में आके बैठे हैं, यू नो। टेररिस्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हो, अभी हमारे पास भी यहाँ पर एक जो टेररिस्ट पकड़ा गया था, उसको $10 मिलियन दिए हमारे ट्रूडो ने, तो यू नो चाहे जो भी था ह्यूमन राइट्स के उस पर उसने सू किया है उसको, तो एक्चुअली मेरे ख्याल से तो टेररिस्ट कहते हैं कि हमको कनाडा जाना चाहिए, वहां पर हमारा ज्यादा फायदा है, हम ह्यूमन राइट्स पे जाकर इनसे ज्यादा पैसे कर सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान में कौन उनको पैसे दे रहा है, यू नो। इतने पैसे कहाँ मिलेंगे उनको पाकिस्तान में, यहाँ पर आएंगे अगर यहाँ कुछ करते हैं, यू नो, फिर देन दे कैन सू दम, और फिर वहां से पैसे मिल जाते हैं आपको। इट्स जस्ट अ होल गेम, यानी यहाँ पे अगर आप देख लो तो पूरी पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियन पार्टीज में आपको मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग मिलेंगे, आपको खालिस्तानी मिलेंगे लोग, आपको जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के, चाइना से हो गए या किसी और कंट्री से हो गए, यहाँ की कैनेडियन पॉलिटिक्स कहाँ रही है, यू नो। इट्स जस्ट लाइक हर किसी का एजेंडा यहाँ पर चल रहा है, ये खिचड़ी बना ली है इन लोगों ने। सो मुझे तो लगता है सून BC में हम लोगों ने खालिस्तान जरूर बनेगा। खालिस्तान की मूवमेंट कनाडा बहुत सपोर्ट करता है, कनाडा में काफी इसको सपोर्ट है, जबकि ये मांगते हैं यानी इंडिया के पंजाब के बारे में कहते हैं कि इसको खालिस्तान बनना चाहिए। इंडिया में खालिस्तान नाम की कोई मूवमेंट नहीं चलती, ये किस तरह मुमकिन है कि देखें, अगर कहीं इंडिपेंडेंस की कोई मूवमेंट होती है तो ग्राउंड पे उसके कोई पर्सिक्यूशन हो रहा होता है उस कम्युनिटी के साथ, कोई मूवमेंट चल रही होती है। इंडिया में खालिस्तान नामी कोई मूवमेंट एज सच नहीं चल रही, ना वहां पे कोई सिख कम्युनिटी के साथ एज सच परसिक्यूशन हो रहा है। अभी फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट तो अभी 45 दिन पहले शुरू हुआ है, वरना सिख वहां पे आर्मी में, फॉरेन सर्विस में फुल हर जगह मौजूद है, सब कुछ है। तो ये कैनेडा में क्यों इसको इतना सपोर्ट मिल रही है? आपका क्वेश्चन आंसर करने से पहले 1 सेकंड में जरा एक मैसेज चेक कर लूं, पता नहीं जी एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया तो सर 1 सेकंड। अच्छा, तो आपने पूछा था कि अच्छा, सो द थिंग इज कि खालिस्तानी मूवमेंट, हाँ इंडिया में है तो कभी सुनी, मैंने भी नहीं सुनी थी। आई केम अक्रॉस इट वही 2017 जो है, थोड़ा उससे एक्चुअली उससे थोड़ा पहले मुझे पता था इसके बारे में। अच्छा, अभी जो इवेंट्स हुए हैं ना, तो उसमें लोग ही कह रहे थे कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है उसमें जो है खालिस्तानी जो है वो नहीं है, मगर एट द सेम टाइम हमने देखा कि एक बंदा था जो इंडिया का फ्लैग उठा के फेंक रहा था, और यू नो दूसरा फ्लैग वहां पे लगाया गया। सो वो जो है लग रहा था कि वो, यू नो, तो वहां पे लोग, इंडिया में लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई पाकिस्तान इंडिया का जो है झंडा थोड़ी उन्होंने हटाया है, वो तो सिर्फ ऐसी खालसा का झंडा है वो लगाया है। फिर मैं ट्वीट पढ़ रही थी कनाडा और यूके से और यहाँ से अमेरिका से ना, तो वहां पे आ रहे हैं कि खालिस्तान का झंडा लड़ा दिया, ये पता नहीं क्या है, फतेह हो जाएगी, अब हमने फतेह कर लिया है, दिस इज द वे वी आर गोना, यू नो, वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इसको।
तो मैं कंफ्यूज थी कि मैंने कहा भाई एक तरफ तो वहां पे लोग डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें खालिस्तान का कोई वो नहीं है वो नहीं है, मगर यहाँ के जितने जो सिख लोग थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि ओ देखो ये साइन है कि खालिस्तान बनेगा और ये वो। तो अफकोर्स जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं दे स्टे आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया में तो इतने नहीं रह सकते ना वो लोग। सो एनीवेज इट इज काइंड ऑफ बैड। मैंने कहा ना कि थोड़े अरसे में जो है आपको बीसी में मेरे ख्याल से खालिस्तान जरूर मिलेगा। यू नेवर नो, अब नेक्स्ट इलेक्शन में अगर जगनीत जीत जाता है मैं तो जा रही हूँ केंद्र छोड़ के। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन। जी पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि बंगालियों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और जेनोसाइड हुआ इनका, और आखिरकार इन्होंने आजादी हासिल कर ली और आज बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। 1971 में 1 पाकिस्तानी रुपए के 8 टके मिलते थे, आज 2.5 रुपए का 1 टका है। इनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से तरक्की कर रही है पाकिस्तान से जान छुड़ाने के बाद। बलोच 1971 से आजादी मांग रहे हैं कि उनको, वो कह रहे हैं कि हम ऑक्यूपाइड लैंड हैं। सिंधु देश की एक मूवमेंट चल रही है और ग्राउंड पे चल रही है, ये नहीं है कि खालिस्तान की तरह बाहर चल रही है, ग्राउंड पे रोज वहां पे रैलियां निकल रही हैं सिंधु देश की। पख्तूनों के ऊपर जैसे आपने देखा होगा, उस गुलाले इस्माइल के वालिद को 3-4 दिन पहले अगवा कर लिया आर्मी ने, और हजारों पख्तून मिसिंग पर्सन है, हजारों बलोच मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान में। ये सब जो मूवमेंट्स चल रही हैं, तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स ना होने का कारण क्या है, और क्या करना चाहिए आम पाकिस्तानियों को कि ह्यूमन राइट्स मिल जाएं? मैं तो ओपनली एडवोकेसी करता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन से अबव हो के काम करती है। पाकिस्तान की आर्मी का काम नहीं है पॉलिटिक्स करना और ये सब चीजें, लेकिन ये शुरू से करती आई है। आप इन सब चीजों को कैसे देखती हैं, ये सिंधु देश की मूवमेंट, बलूचिस्तान आजादी की मूवमेंट? मुझे इतना मुझे इतना इनके बारे में पता नहीं है कि बलूचिस्तान का भी जैसे आपने कहा ना, क्योंकि आई वॉज नेवर अवेयर ऑफ इट। अब वो चीजें मुझे अब जाके ज्यादा पता चल रही है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अवेयर ऑफ इट। ह्यूमन राइट्स की जो आप बात करते हो तो इट्स अ जोक। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स इज अ जोक टू बी ऑनेस्ट। वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। अगर ह्यूमन राइट्स होते हैं तो आए दिन आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि ये हो गया है वो हो गया है। ह्यूमन राइट्स इज नथिंग वहां पे। अभी तक जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वहां पे भीख मांग रहे हैं। देयर इज चाइल्ड लेबर, देयर एजुकेशन वहां पे मिल नहीं रही है लोगों को अच्छे तरीके से। बेसिक राइट्स नहीं है। ह्यूमन राइट्स होते हैं कि जहां पर आप एक इंसान को ना इलेक्ट्रिसिटी पानी जो है वो फरहाम कर सको, छोटा सा घर दे सको, वो बेसिक राइट्स आप अपनी आवाम को नहीं दे सक रहे हो। मगर अब फिर वही बात आ जाती है ना कि आवाम को भी आपने अनएजुकेटेड और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, रिलीजन के पीछे लगा दिया कि आवाम उससे ज्यादा सोच ही नहीं रही है। उनको ये कह देते हैं कि हाँ हम मदीने की रियासत बनाएंगे तो वो फौरन आ जाते हैं कि हाँ हाँ चले चले आपको हम वोट देंगे। सो ऑब्वियसली लोगों को भी जागना चाहिए, मगर ये लोग खुद नहीं चाहते कि लोग जागें, क्योंकि जब तक लोग बिल्कुल ही अनएजुकेटेड और कुछ पता ही नहीं है तो देर गोना कीप फॉलिंग इन टू देयर ट्रैप। जैसे जैसे कि आपने कहा कि अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है तो आई गेस मूवमेंट्स जो है वो ज्यादा ज्यादा होती जा रही है। मगर या नो ह्यूमन राइट्स, देयर इज नो ह्यूमन राइट्स। वो कौन है, शीरिन मजारी है राइट, उसे पता नहीं क्या बोला था उस दिन किसके बारे में ह्यूमन राइट्स उसमें बोल रही थी। एंड देयर जोक, एवरीथिंग इज अ जोक। अभी ह्यूमन राइट्स हुई तो मैं आपसे कहा ना कि ये जो नाना और ग्रेटा इन लोगों ने जो बोला है तो ये लोग कहाँ थे? ओ चाइना में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सबके सामने। इमरान खान ने तो खुद बोल दिया कि मैं उस पर बात नहीं करता हूँ क्योंकि चाइना ने जो है हमारा बड़ा साथ दिया था उस टाइम पे जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था। यानी मतलब ये कि भाई आप हमको पैसे दे दो फिर मुसलमानों के साथ जो दिल में आया करो। सो एक जोक बनाया हुआ है ह्यूमन राइट्स। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही, यहाँ भी आप देख लो। इट्स जस्ट यहाँ तो कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो गया लेफ्ट का, दैट्स अनदर टॉपिक ऑफ इट्स ओन। मगर एक हिपोक्रेसी में देख रही हूँ चल रही है, एक प्रोपोगेंडा चल रहा है लेफ्ट की साइड से, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान छोड़ इंडिया, यूके, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी जो कंट्रीज में जो है ये लेफ्ट का एक एजेंडा बड़ा जबरदस्त चल रहा है। और जितनी भी आई फाइंड की राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स हो गई उनके खिलाफ, ट्रम्प के कितना पीछे पड़े रहे। अब देखे मोदी के बारे में भी पीछे पड़े हुए, जस्ट
इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा मशीन, और ये प्रोपेगेंडा और चलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच महलेज, इट वॉज सच ए वंडरफुल डिस्कशन विथ यू, थैंक यू फॉर इनलाइटिंग अस। नो थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग, और बाद में मैं बस ये बोलूंगी कि किसी को मुझे देखना है तो मेरे जो पेज है महाली सरकारी उस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू, वॉज अमेजिंग आयुष जी। मैं भी आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और मतलब आपकी पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि डिफरेंट होती हैं, और वी मस्ट फॉलो यू एंड थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सेम सेम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।